एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का स्वागत है नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना सारा प्यार दिए, इतना दुआ किए मेरे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। सुबह से हम लोग सोच रहे थे कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट देन मैंने सोची कि यार पहले थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर जब जैसे ही थोड़ा अच्छी हो जाऊंगी, एकदम फिट एंड फाइन हो जाऊंगी तो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कल कि आज मैं अगर ठीक हो गई तो मैं मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी। आज हम लोग मेकअप ट्यूटोरियल करने वाले हैं गाइज। मैं अपना बेसिक मेकअप आपको बताने वाली हूँ जो मैं डेली रूटीन पे करती हूँ। मोस्टली तो मैं ज्यादा जल्दी मेकअप करती नहीं हूँ। शादी के बाद मतलब ऐसे हो गया था कि एक हफ्ता कंटिन्यूसली मैंने मेकअप की थी, फिर उसके बाद मैं वापस स्टॉप कर दी थी बिकॉज मुझे एक्ने प्रॉब्लम है तो मैं मेकअप ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। उसके अलावा मेकअप ट्यूटोरियल के अलावा मैं सुफियान को चैलेंज करने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं मेकअप करूँ और वो बैठ के देखे, तो मैंने उनको चैलेंज की हूँ कि मैं यहाँ पर मतलब दिस इज माई ड्रेसिंग टेबल है तो मैं ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के मेकअप करूंगी और सुफियान वही टाइम पे क्या करोगे? ए बेटा, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी। मैंने कहा है सुफियान को कि जस्ट मेरे वार्डरोब के बाजू में बाथरूम है और उसमें भी बहुत बड़ा मिरर है, तो मैंने कहा है कि सुफियान तुम अंदर जाओगे, बाथरूम लॉक करोगे, मैं यहाँ से तुमको इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगी और वही चीज मैं भी करते जाऊंगी। तो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगी तुम भी वही सारी चीजें करना और अपने फेस पर लगाना। सो लेट्स सी सुफियान कैसे करते हैं ये। बेटा मेरे भाई हाथ का खेल, तुमसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला। अच्छा ठीक है, चीक बोन किसको बोलते हैं? हाँ, चीक बोन इसको बोलते हैं। किसको? इसको। ओके अच्छा, ब्लश किसको बोलते हैं? ब्लश इसको। अच्छा, कॉन्टोर? कॉन्टोर इधर साइड में। अच्छा, और नोज कॉन्टोर? नोज कॉन्टोर इधर। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब तो करने वाले हैं नहीं अपन। नोज ये सब तो करना है, बेसिक मेकअप बोल रहे तुमने। तो ये बेसिक मेकअप में ये भी आता है, हल्का फुल्का कॉन्टोर भी करती हूँ मैं। अच्छा। ऐसा डीप कॉन्टोर नहीं करती हूँ, सिर्फ कॉन्टोर पाउडर लगाती हूँ। आईलैशेस लिफ्टिंग? आईलैशेस दिस। आईब्रोज? आईब्रोज ये। चलो ठीक है, इतना तो बेसिक पता है और तुमको बताने की जरूरत ही, तो मैं तुमको डायरेक्टली प्रोडक्ट ही दे देती हूँ इतना तो। नहीं नहीं, समझाना पड़ेगा पहले, मेरे को आता नहीं है। तो देखो, जैसे जैसे मैं स्टेप्स करते जाऊंगी वो सेम प्रोडक्ट्स मैं तुमको भी दूंगी, मेरे पास भी है, मेरे पास दो दो प्रोडक्ट्स है, तो मैं जैसे जैसे जो जो चीजें लगाऊंगी फेस पे मैं तुमको बोलते भी जाऊंगी कि ये कंसीलर लो, आंख के नीचे लगाओ, नोज पे लगाओ। अब मैं नोज पे बोलूंगी तो तुमको समझना चाहिए कंसीलर कहाँ लगाते हैं, नोज पे कहाँ लगाते हैं वो मैं देख लेंगे ना इधर। ओ, और कॉन्टोर? कॉन्टोर इधर। बोला कितनी बार पूछूं तुम्हें? अरे नोज कॉन्टोर बोलती हूँ। नोज कॉन्टोर ये खच 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 खच। अरे इधर नहीं होता है, साइड्स में होता है। हाँ तो अभी साइड्स में तू बताना ना, तुम मेरे को सब कोई प्रोडक्ट निकालो फटाक से बताओ मेरे को। मैं नहीं बता रही, ऐसा बताऊंगी तो कैसा चलेगा चैलेंज? बताओगे तो मालूम कैसे पड़ेगा चैलेंज, तो मेरे को एटलीस्ट पता होगा ना चैलेंज में करना क्या है। इंस्ट्रक्शन तो दोगे ना मेरे को तुम? इंस्ट्रक्शन की बात है यार, अभी तो इसने मेरे को बोला था कि मैं सब कुछ। अरे हाँ, लेकिन कम्पीट करने में इंस्ट्रक्शन की बात है ना। ठीक है चलो, ओके फाइन, चलो प्रोडक्ट्स निकालती हूँ, पकड़ो। तो रेडी हो गया है सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पे। अच्छा, ये है तुम्हारा सिरम जो मैं लगाती हूँ हमेशा, तो दो है मेरे पास। अच्छा। करेक्टर नहीं है तो करेक्टर में ये वाला तुम लगाना 52 का, मैं ये लगाऊंगी। ओके, और ये है मेरा कंसीलर, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ। ओके, मैं फाउंडेशन नहीं यूज करती हूँ तो मैं सिर्फ कंसीलर यूज करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पाउडरिंग। ये तुम्हारा कॉम्पैक्ट है, ये मेरा कॉम्पैक्ट है। कॉन्टोरिंग मेरे पास एक ही है तो तुम मुझसे मांग लेना, जैसी मैं लगाऊंगी तुम मुझसे मांग लेना। ये ब्लश है और ये आईब्रो पैलेट है, ये भी आईब्रो पैलेट है। ये हाइलाइटर है, ओ ओ तुम्हारा हाइलाइटर इधर है, तुम्हारा हाइलाइटर। और ये मेरी लिपस्टिक है, तुमको कौन सी कलर की लिपस्टिक? लिपस्टिक नहीं लगाऊंगा मैं। क्यों? लिपस्टिक नहीं लगाऊंगा। क्यों? नहीं नहीं, लिपस्टिक नहीं अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, मैं तुमको लगाऊंगी, ये तुम लगा देना, थोड़ी थोड़ी लगाना, दोनों सेम शेड। तुम्हारे ब्रशेस दियो तुमको, मेरे को जो तुमको ब्रश यूज करना तुम यूज करो। ये बीबी ब्लेंडर है और ये मेरा ब्रश है, तुम ये करना चाहोगे? आईलैशेस ना? देख लेंगे वो तो। नहीं तो आंख को वो मत कर देना, उखाड़ नहीं देना। हाँ देख लेंगे। और ये रहा, ये है वो क्या बोलते हैं उसको, लैश लिफ्टिंग? अरे नहीं, मस्कारा। अरे मेरा पेट तो दिख रहा है इसमें से। और ये रहा तुम्हारा मस्कारा। आर यू रेडी फॉर इट? यस। चलो तो चलता हूँ मैं, अपना जाके कैमरा सेटअप कर दे तो अंदर, और तुम अपना ऐसे कार्यक्रम शुरू करो। लाओ मेरा प्रोडक्ट दो मेरे को। चलो हटो, हुड़ 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 हुड़। गिरा ये क्या? ये वो कंसीलर। अच्छा कंसीलर, माँ कसम लगने वाले। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का मेकअप ट्यूटोरियल और मैं बन जाऊंगा उससे खूबसूरत। हाय दैया, ओ माय गॉड। तो चलो शुरू करते हैं। तो सुफियान, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। तो पहली बात तो ना, तुम यहाँ मुझे देखोगे नहीं, ठीक है? मैं नहीं देख रहा तुमको। हाँ, अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑडियंस देख रही है तुमको, तुमको देखने का शौक भी नहीं है। क्या बोले? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसे? हमारे सीरम से। सीरम से? हाँ। तो गाइस सीरम ये रहा, दिस इज द सीरम गाइस। कहाँ लगाना है इसको?
हाथ पे लगाओ, हाथ पे लगाना है पागल, ऑब्वियसली फेस पे लगाओगे ना, सिर्फ अंडर आईज छोड़ के लगाना सुफियान, क्योंकि मैं अंडर आईज पे नहीं लगाती हूँ, अंडर आईज और आईज के लिड्स के ऊपर भी नहीं लगाती। क्वांटिटी कितनी चाहिए? जितनी लेने का ले लो यार, इतना लो कि तुम्हारे फेस पे पूर जावे। पूर जावे? हाँ। अरे वहाँ उड़ गया, मैं निकाल ही नहीं रहा है तो। नहीं नहीं, भरा हुआ है, मैं खाली दिया मेरे को। निकलेगा वो अपने मालिक से ही निकलता है सिर्फ, मैं उसकी मालकिन हूँ। अंडर आईज में नहीं लगाना, आईलिड पे नहीं लगाना, बिकॉज क्या होता है ना कि जिसको अंडर आईज में लाइंस होते हैं सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद ना, वो सारे लाइंस के अंदर भरने लगते हैं, व्हाट वी से रिंकल काइंड ऑफ आने लगता है। चलना मालूम है तुमको, नहीं बता रहे तुमको, नहीं बोला बेबी। तो नेक्स्ट स्टेप इज करेक्टर, जहाँ जहाँ तुमको फोड़ी पिंपल दिख रही है, हाँ करेक्टर ऑरेंज कलर का रहेगा देखो, तो जहाँ जहाँ भी फोड़ी पिंपल है या तो फिर अनइवन टोन है आपके फेस पे, करेक्टर मैं तुमको दी थी, मैं ब्रश भी दी थी करेक्टर के साथ, ये कॉम्पैक्ट, ये अभी लास्ट टाइम बताई, उसके बाद नहीं बताऊ। तो इसको इसको कैसा लगाने का? ब्रश से लगाओ ना ऑरेंज कलर का, अंडर आईज में लगाओ, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स है तुम्हारे को, पिगमेंटेशन है वहां वहां लगाओ। मैं आईज के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, बिकॉज मुझे डार्क सर्कल्स है थोड़े थोड़े, और जितनी भी फोड़ियां है, मतलब फोड़ियां आके जा चुकी है, सिर्फ अपना दाग छोड़ के जो चले गई है उन पे लगाऊंगी, सो दैट मेरी स्किन थोड़ी इवन हो जाए। ओके फिर उसके बाद लगा दिए, पेंट हो गया। हाँ वो फिर तुमको ब्लेंड करना पड़ेगा, ब्यूटी ब्लेंडर क्यों दी हूँ तुमको मैंने। चलो फिर उसके बाद हम लोग लगा दिए कि नहीं लगाए, ब्लेंड कर दूँ? हाँ ब्लेंड हर जगह पे लगा दो, जहाँ जहाँ तुमको लग रहा है कि डार्क स्पॉट्स है, पूरे फेस पे, ये पूरे फेस पे लगा, हाँ लगा दो तो ही अच्छा दिखेगा तुम्हारा फेस। ज्यादा ज्यादा नहीं लगाना, कम कम क्वांटिटी में लगाना, क्योंकि जितना मर्जी लगा दो। तो ये लगाने के बाद हम लोग ब्लेंड करने जाते हैं, ब्लेंड कर दो ब्लेंडर से। हाँ कौन सा ब्लेंडर है, स्पंज? हाँ और इतने अच्छे से ब्लेंड करो कि दिखना नहीं चाहिए। हाँ ओ माय गॉड, मैं इमेजिन कर सकती हूँ तुम मन के आगे जोकर। जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी अनइवन स्किन थी मेरी, अनइवन मतलब काला पीला अलग अलग दाग धब्बे थे ना, फिर इवन ऑड हो गई। मैं तो कंसीलर लगेगा तो छुप जाएगा तुम्हारे फेस को, तो फाउंडेशन की भी जरूरत अभी हो गया ये। तो इसके बाद हम लोग कंसीलर लगाएंगे, तो मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ गाइस, मोस्टली मैं कंसीलर ही यूज करती हूँ फॉर डेली, बिकॉज कंसीलर भी लगाओ फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाओ तो इतने सारे लेयर्स फेस में जो रहते हैं ना, वो फिर फेस को खराब कर देता है। कंसीलर लगाओ? हाँ अंडर आईज के नीचे थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके लगाओ। पूरे फेस पे लगाना? पूरे फेस पे हाँ, बट एकदम कम क्वांटिटी में लगाना, ज्यादा ज्यादा नहीं लगाना नहीं तो भूत बन जाओगे। ब्लेंड करना है फिर? हाँ तो और इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो तुम, वकांडा फॉरएवर। ब्लेंड कर दूँ? हाँ ब्लेंड कर दो, उसको धो ली स्पंज को ना? नहीं दूसरी जगह से ब्लेंड करना, जो जिससे तुमने करेक्टर ब्लेंड किए थे उससे मत करना। तुमने बहुत ही मतलब एक इसमें निकाल के जितना भी मेरे क्या बोलते ब्रश में प्रोडक्ट था वो सारा मैंने लगा दी इसके फेस पे, तो मैं इसको जब ब्लेंड करूंगी ना सूफी, इसको ब्लेंड करने के बाद देखना तुम, तुम्हारा स्किन एकदम मस्त टच हो जाएगा। गाइस बहुत मजा आ रही है, अब पता चला नहीं था पूरा पूरा दिन क्यों लगा दी तैयार होने में। तो ठंडी के टाइम पे जितना हो सके आप उतना अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हो, मैंने इससे पहले मॉइस्चराइज कर दी थी बट मेरा स्किन मतलब जितनी ऑयली उतनी ड्राई भी हो जाती है जल्दी, तो मेरी ऑयली प्लस ड्राई स्किन है। वो अपने मगन में ही है। पंछी बनू गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चुप बे चमन, क्या बोले बेबी? व्हाट आर यू सेइंग? पहले तो प्यार, प्यार तो बेगाना है रोज से हुआ, छुट्टे नहीं है हुआ है हुआ है, अब आग में चिपड़े भी है मेरे लिए, हुआ है हुआ है। एकदम अच्छे से ब्लेंड करना सुफियान। कौन है ये खूबसूरत परी? तो यहाँ तो लगाया नहीं मैंने, नीचे का ऐसा काला रह गया। किधर नीचे का? तुम ना काम करो। देख बेटा अभी ना दुश्मनी मत लेना, नहीं तो कुछ भी चीज का कहीं पे भी लगवा ले बोल दो। हाँ तो ऑडियंस देख रही है, तुम अगर कुछ भी करवाओगे मेरे को तो। अभी नेक्स्ट क्या है? अभी कॉम्पैक्ट लो। कॉम्पैक्ट? इट्स वेरी कॉम्पैक्ट यार। कॉम्पैक्ट क्या होता है? अभी कॉम्पैक्ट पाउडर। हाँ मिल गया कॉम्पैक्ट, क्या करूँ? सेट नहीं करोगे
नेक्स्ट स्टेप इज सेटिंग जो प्रोडक्ट हम लोगों ने लगाया है क्रीमी प्रोडक्ट। प्लास्टिक गिर गया इसका, कर दूं कॉम्पैक्ट। हाँ कॉम्पैक्ट कहाँ लगाओगे, अंडर आईज में, पहले अंडर आईज और आईज के ऊपर लगाओ। इसमें तुम्हारी अजीबो गरीब मुंह बन रहे क्या मेकअप करते टाइम, बहुत ज्यादा। फिर नोज पे लगाओ कॉम्पैक्ट, हाँ, और फोरहेड पे लगाओ और लिप्स के आजू बाजू लगाओ। आंख के ऊपर भी लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना, तो भूत बन जाओगे, पाउडर वाले भूत। तो जैसे कि आपने देखे कि मैंने कॉम्पैक्ट कहाँ कहाँ लगाई हूँ, मैंने आईज के अंडर लगाई हूँ, इधर लगाई हूँ। इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट, स्मैश बॉक्स का है ये, कॉम्पैक्ट नहीं है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है इन नेचुरल शेड जो मैं डेली यूज में यूज करती हूँ। वेरी लाइट ऑन स्किन, यू कैन सी बहुत लाइट है ये, बहुत लाइट है। तुम्हारा इबा गायब, इबा इबा कौन है? मेरा थोड़ा फोरहेड का बाकी है। तो कितना स्लो हो रही था तुम यार, यहाँ मैं परफेक्शन से करती हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं, रफ एंड टफ कुछ भी कर दो। गाइस मेरा परफेक्शन नहीं दिख रहा क्या? जा तुमको लग रहा है कि तुमको पसीना आता है, वहां सेट कर दो, सब हो गया, थोड़ा थोड़ा लेके सब हो गया सेट। फिर अभी बारी आती है नेक्स्ट कॉन्टोर की। कॉन्टोर क्या होता है? कॉन्टोर पाउडर तुम्हारे पास है नहीं, मेरे पास है, मैं तुमको, मैं तो करूँ, एलो शेयरिंग कर लेते हैं। तो मैंने कॉन्टोर बहुत सारा ले ली हूँ, एलो गाइस कॉन्टोर भी आ गया है। चीक बोन पे करो, सिर्फ डैप करना है गाइस, चीक बोन को, हाँ, हमें ज्यादा नहीं लगाना है, इट इज जस्ट टू हाईलाइट योर बोन्स। एंड मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है तो मुझे इसके लिए थोड़ा यहाँ पे भी लगाना पड़ता है, सो दैट थोड़ा अच्छा लगे मेकअप। डैप करने के बाद में थोड़ा सा ऐसा सा, अभी डैप भी करने का है? पहले डैप करना था पगले, तुम लगा दिए? हाँ तो लगा देंगे तो चलेगा, मसला नहीं है। तो पहले बोलना चाहिए ना ये सब तुम्हारे को, मेरे को सबको बताना भी है सुफियान। सॉरी ओके, अभी डैप पे लगा ना मैं। हाँ डैप, उससे डैप नहीं करना है। तो किससे डैप करना है? ब्रश से डैप, ऐसा डैप। सो गाइज ये मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती हूँ हमेशा, जैसा मैं करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। एंड मैं थोड़ा थोड़ा फिर यही कॉन्टोर आईज पे भी लगा देती हूँ, बिकॉज ये तो बहुत भूत भूत लगता है। लगाने मेरे ख्याल से हाइलाइटर चीक बोन पे लगाए, हाँ, और नीचे जॉ लाइन को कौन शार्प करेगा? तो ये तुमने बोले थोड़ी मेरे को, तो पहले वो करने के बाद जॉ लाइन करता है इंसान। मेरी जॉ लाइन पे दाढ़ी है। अरे हाँ तुम्हारी जॉ लाइन में दाढ़ी है, वो तो मैं भूल ही गई। तो मैं जॉ लाइन पे भी लगाती हूँ बिकॉज मुझे डबल चिन है और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेकअप, क्योंकि मेकअप करने के बाद फेस और भरा भरा लगता है, इसलिए कॉन्टोरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर एकदम और ज्यादा फ्लफी फ्लफी दिखूंगी मैं, फिर मतलब ही नहीं है मेकअप करने का, इसलिए मैं ज्यादा मेकअप करती नहीं हूँ फिर। आप लोग ने देखे कि मैंने कॉन्टोरिंग में कहाँ कहाँ कॉन्टोर की हूँ, पहले तो मैंने यहाँ की हूँ ऊपर अपलिफ्टिंग में, फिर इस तरफ की हूँ, अगर फॉरहेड बड़ा है तो करने की जरूरत है, वरना नहीं करने की जरूरत है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे भी की हूँ बिकॉज मुझे डबल चिन है, अगर आपको डबल चिन नहीं है तो भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं, मैंने भी ज्यादा नहीं की हूँ, मतलब जैसे मेकअप आर्टिस्ट लोग करते हैं एकदम डीप कॉन्टोरिंग, मैंने वैसा नहीं की हूँ। फिर मैं नोज कॉन्टोर करती हूँ बिकॉज मुझे नोज में वो जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी लगती है। सो फिर नोज कॉन्टोर करो, नोज पे लाइन बनाओ, ब्रिज बनाओ, इधर देखो किससे बनाओ? ब्रश लेके, वो तुमको दे दिया मैंने, वापिस दो मेरे को, देखो इधर देखो, यहाँ पे और यहाँ पे लाइन लगी, मतलब छोटी करनी है ना आपको, ये देखो मैं कैसे कर रही हूँ, देख लो नहीं मैं खुद से करूंगा। अरे वो पूरे नाक पे नहीं लगाना है, सिर्फ लाइन बनानी है। सो आप जैसे कि देख सकते हो सिर्फ एक लाइन बनानी है, अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे एक लाइन, तो नाक इससे क्या हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है और अच्छी लगती है, पतली दिखती है नाक। सिर्फ नाक को पतला करो, नाक पतली है तुम्हारी तरह मोटी थोड़ी है, मेरी भी नाक पतली है, बट मेकअप करने के बाद है ना चीजें बहुत उभर के दिखने आती है। मारो ओ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, चलो बोलो अभी, जरा दो मेरे को क्या चाहिए, कंटूर पैलेट कितना चाहिए तुम्हारे को यार, लो क्या गुंडा बनेगी, तुम तो ऐसा कर रहे हो पूरे मेरे पैलेट को खराब कर दिए। परी हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ मेकअप ट्यूटोरियल कैंसिल, परी हूँ मैं, मेरे मेकअप खराब हो रहा है यहाँ पे। ओके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइलाइटर। हाइलाइटर तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पे गाइस, ये हाइलाइटर कैंसिल, कौन से ब्रश से? वो देखो फंका वाला रहेगा, मैं उंगली से भी लगा सकती हूँ, मैं उंगली से लगाना प्रेफर करती हूँ गाइस, फंका वाला, फंका वाला
अलग अलग हाइलाइटर चीक्स पे, नोज के बीच में, थुड्डी पे। थुड्डी क्या होती है? थुड्डी क्या, तुम्हारी थुड्डी नहीं, छोड़ो। और आईब्रो, आईब्रो के नीचे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं लगाती हूँ कैसा। मैंने ये ले ली हूँ, दिस इज फ्रॉम रेवोल्यूशन का हाईलाइट पैलेट है गाइस। ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। तो जो जो प्रोडक्ट मैंने यूज की हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी जरूर, जो जो मैं डेली यूज करती हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स डेली यूज करती हूँ गाइस। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो तो जरूर मेंशन करूंगी। अबे मेरी चमड़ी पे तो जा भी नहीं रहा, ये मुड़ जा रहा है। तो उंगली यूज कर लो, सड़ावा दे दिया यार, उंगली यूज कर लो। वहाँ पूरा फैल गया है, तो इसको लगता है डैप करना पड़ेगा मेरे को। ओके, माय नोज इज गेटिंग हाइलाइटेड। फिर मैंने थुड्डी पे थोड़ा लगा दी हूँ, फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी जो जो एरिया मुझे हाईलाइट करना है, जैसे कि मेरे चीक्स। अपनी फेस की जो स्किन रहती है वो जब जैसी, अभी तो फिलहाल ठंडी चल रही है, ठंडी है इसकी सही बोल रही नहीं ठंडी चल रही है, एसी चालू, जैसी एसी बंद होगा अपने आप ऑटोमेटिकली स्किन के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स जब ऑब्जर्व होगा तो ये अलग ही शाइन देगा। तो ये जो ब्रश वाली चीज होती है ना, इसमें करने में फायदा नहीं है, क्योंकि ले फिर ये अपने को नेचुरल टेक्सचर नहीं देती है। ये मुझे नेचुरल देगी, मुझे पता है, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, आप भी देखते रहोगे तो आपको भी पता है कि कितना नेचुरली ग्लो होता है मेरा स्किन। ऐसा लगता है कि मतलब एकदम नेचुरली ग्लो है, बट दिस इज द हाइलाइटर का कमाल और उंगलियों का कमाल। यहाँ पे भी लगा दी मैंने अपने आईब्रो बोन्स पे, क्योंकि ये भी बहुत एकदम शाइन करता तो अच्छा लगता है मुझे। और मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे लोग लगाते हैं, जैसे कि मैं इसलिए लगाती हूँ बिकॉज जब मैं आईब्रो करती हूँ तो ये एक हाईलाइट देता है मेरे आईब्रोज को। यहाँ इसलिए लगाती हूँ बिकॉज थुड्डी की मतलब वैसे बीच लाइन है तो उसको भी मैं शार्प करती हूँ चलो, सो दैट मेकअप की वजह से वो दब जाता है। अब नेक्स्ट है आईब्रोज। आईब्रोज के लिए सुफियान तुम्हारे पास ब्रश नहीं है आईब्रो का, ये ले लो ये ब्रश। अरे दैट इज नॉट फॉर आईब्रो यार, तो किसके लिए? आईब्रो पैलेट है देखो वहाँ पे छोटा सा, ये ब्रश ले लो। आईब्रो पैलेट नहीं है यहाँ पर? है बाबा वहाँ पे। कभी भी अगर आप आईब्रोज कर रहे हो, गो फॉर नेचुरल ओनली, जैसे मैं जाती हूँ। आई डोंट यूज मच प्रोडक्ट्स ऑन माय आईब्रोज, इट इज ओनली ऑलरेडी गुड। ये जेन्युइन किट जो लिखा है ये क्या, इसमें तो एक ही है। हाँ वो यूज कर लो। ओके ओके, जोकी जोकी आईब्रो ब्रश उनको मैंने दे दी, तो मुझे आई हैव टू यूज दिस वन। तो वेरी नाइसली जहां जहां मुझे लग रहा है कि मेरे को आईब्रो की कमी है मैं वहीं वहीं अप्लाई करती हूँ। और डार्क हमेशा, एंड्स को हमेशा डार्क रखना चाहिए और ये नेचुरल लगना चाहिए। मुझे आंख से हमेशा आंसू आ जाते हैं जब मैं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, तो आई डोंट नो व्हाई कि मैंने ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाई हो। आप भी अगर आप डेली मेकअप करते हो तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाया करो, नहीं तो फिर वो नेचुरल नहीं लगता है, वो बहुत आर्टिस्टिक लगता है। ये मेरा आईब्रो ना आईब्रो वाले ने खराब कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो ब्रश में लेफ्ट ओवर्स है ना वो मैं आगे की तरफ लगाऊंगी एकदम हल्के से, जस्ट टू मेक अ थिन लाइन। जस्ट आई एम नॉट फिलिंग इट, मैं फिल नहीं कर रही हूँ और मैं नहीं करती हूँ हमेशा आगे के आईब्रोज को। ये क्यों कर रहा है? आईब्रो बड़ी हो गई इसलिए मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती हूँ गाइस। आप देख रहे हो ना सुफियान को कि वो क्या गलती कर रहा है। आपको वो सारी गलतियां नहीं करनी है इसलिए मैंने उसको अबे मेरे को तो गलतियां सुधारने के लिए खड़े हो यहाँ पर मैं आप पे तो आपको अच्छी चीजें सिखा रही हूँ और वो सीख नहीं रहा है क्योंकि वो मुझे देख नहीं रहा है। चैलेंज है ये, देखना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आईज बहुत ज्यादा व्हाइट हो गई है, तो मैं थोड़ा सा इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज की थी वही सेम मैं आईज पे लगा दूंगी। दिस इज नॉट गिविंग मी नेचुरल समथिंग, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मेकअप की हूँ, मैंने की भी नहीं हूँ, आप देख सकते हो। दिख रहा हो तो आईब्रोज आर डन। यस आईब्रोज आर डन, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या गिरा है? द नेक्स्ट पार्ट इज आईब्रो को ब्रश किए तुमने? ब्रश तो वही जो ब्रश था वही ना? हाँ वही तो था, एक साथ तो किया हो तो बस थोड़ा सा सब ब्रशिंग कर दीजिए आप भी। तो वो ब्रश मेरे को तुमने दिए नहीं ऐसा वाला? अरे तो वो छोटा वाला है ना, उसके नहीं जम रहा उससे मेरे को। तो ये ले लो बाबा लो, नहीं हो गया मेरा, छोड़ो अभी ये। अरे खुश साड़ी बड़ा बड़ा प्रोडक्ट यूज करी, तो मुझे लोगों को दिखा रहा है। ये देखो मेरे को क्या दिस, देखो ये साला मेरी उंगलियों पे भी नहीं आ रहा है, इतना छोटा है ये और खुद इतना लंबा यूज कर रही है। तुम्हारी कंप्लेंट अभी खत्म होती है क्या? हां नहीं तो ये हो गया गाइस। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लैश लिफ्टिंग। सुफी तुम करना है, तुमको भी आ लाओ रुक जाओ पहले मैं कर दूं। मुझे लैश
जिसको कर्ल करना बहुत पसंद है, और स्पेशली सुफियान के लैशेस इतने अच्छे इतने अट्रैक्टिव है ना कि मैं जब जब अपने करती हूँ मैं सुफियान के भी करती हूँ, बिकॉज मुझे देखना इतने पसंद है उनके लैशेस। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लैशेस है उनके। अभी ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना, आप देख सकते हो मेरे लैशेस दिख के आ रहे हैं और मेरे को आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। लो पकड़ो। तो ये मेकअप जो मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ अभी, इट इज वेरी बेसिक, बहुत ही ज्यादा लाउड नहीं लगेगा। आप जब सामने से भी देखोगे मुझे तो कैमरे पे भी आप देख रहे होगे कि इतना लाउड नहीं लग रहा है। दिस इज वेरी नेचुरल काइंड ऑफ मेकअप। क्या हो रहा है? एकदम ज्यादा HD भी नहीं लगेगा, ये बहुत ही नॉर्मल लगेगा जिसे मुझे पसंद है, जो कैमरे पे भी अच्छा लगे हुए। मैं लैशेस पे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाऊंगी बिकॉज इसे निकालना बहुत तकलीफ हो जाती है, और डेली डेली इतना प्रोडक्ट लगाओ और डेली उसको निकालो उसको रगड़ो तो लैशेस तो गए बेटा, काम से ही चले गए। तो एकदम मिनिमल लगाऊंगी मैं। वैसे मैं डेली उसके लिए हमेशा इबागा लगाती हूँ बिकॉज इट इज एवरी डे अगर मुझे लगाना है, मैं मेकअप नहीं भी करती तो भी मुझे लैशेस जो है वो ऊपर अच्छी लगती, कर्ल्ड अच्छी लगती, तो मैं कर्ल करके इबागा लगाती हूँ। और ये नहीं यूज करती हूँ मैं रोज डेली बेसिस पे, दिस इज ओनली फॉर सम फंक्शंस जहाँ मैं मुझे अपने आई लैशेस के वॉल्यूम ज्यादा बढ़ानी है, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। ये है लॉरियल का वॉल्यूम मस्कारा। चलो तुम्हारा हो गया, मेरा बचा मस्कारा ना तो लगाओ। दो मैं दी हूँ वहाँ पे मस्कारा तुमको, शुगर का। तो ये आया अभी मस्कारा, सिर्फ मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी, एकदम हल्का हल्का एक एक लैशेस पे लगाऊंगी, नहीं तो ये ना क्या करता है, वॉल्यूम है इसमें तो ये देखो चिपका देता है दो तीन लैशेस को एक साथ। तो मैं एकदम हल्के हल्के से एक एक लैशेस पे लगा रही हूँ सो दैट ज्यादा प्रोडक्ट भी ना लगे। मेरी आंखें कितनी प्रिटी लग रही है अभी। अगर आपको लगाना है नीचे तो आप लगा सकते हो जैसे मैं लगा रही हूँ, एकदम हल्का, ज्यादा नहीं, नीचे के लैशेस पे, लोअर लैशेस। ये लग गया, हो गया, चांद पे दाग लग गया। कौन है चांद यहाँ पे जरा मुझे बताना। जैसे कि विंटर का टाइम है तो मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पे बेबी लिप्स लगाऊंगी पहले। बेबी लिप्स? Yes, I'm giving it to you. तुमने पिंक टिंट दिए थे वो क्या बनेगा? हाँ मैं ब्लश भी लगा रही हूँ, लगाओ लगाओ ब्लश, लगाओ ब्लश का लगाएगा, ब्लश गाल के ऊपर। तो कैसा लगाओ? ब्रश है ना वहाँ पे, गाल के ऊपर लगाना, एकदम मस्त गोल गोल लगना चाहिए गाल। ओके तो मैंने बेबी लिप्स लगा दी हूँ, थोड़ी दाढ़ी भी शेप कर ले। सुबह तुमने ब्लश लगाए? मैं तो नहीं लगाती ब्लश। दिए क्यों? मैंने इसलिए दी ताकि तुम्हारे फेस पे कुछ नहीं दिख रहा तो एटलीस्ट ब्लश तो दिखेगा। अभी मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। ठीक है, बस इसी बोल। तो ये हो गया है कंप्लीट। अब मैं करूंगी अपने फेस को सेट, जो भी मैंने मेकअप लगाई है वो मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये PAC मतलब पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। हेलो फिक्सर लगाओ। क्या करने का इसको? छिड़क देने का फेस पे। कैसे? दूर से नजदीक से? दूर से। आग बंद करके। क्या हो गया? मुंह क्यों चला गया? तो मुंह खोलोगे तो मुंह में ही जाएगा ना पगले, हवा भी मान लेगा ताकि सूख जाए। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सेट करूंगी। तो सेट भी करने का है? थोड़ा थोड़ा, दिस इज डन। मैंने बेबी लिप्स लगा दी थी ताकि अरे रुखी सुखी जो भी स्किन है वो निकल जाए। अब लगाना है लिपस्टिक। लिपस्टिक है नहीं यहाँ पर? है। तो मुलिका, और जो मैं लिपस्टिक यूज करती हूँ हमेशा हर कोई मुझे पूछता है, दैट इज 1:1 फ्रॉम लॉरियल। ये भी लॉरियल का था, ये भी लॉरियल का था, ये मेबेलिन है। लिपस्टिक तो लग गई है। मैं मर्दों वाली लिपस्टिक लगाया है। मतलब हल्की सी। अभी जैसे कि आप देखते हो कि मेरे लिप्स नीचे के बहुत मोटे ऊपर के नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे ना ये बीच वाला वो जो SS है राउंड राउंड नहीं पसंद, तो मैं थोड़ा सा डार्कर शेड ऑफ लिपस्टिक लेती हूँ। तुम्हारा मेकअप ऐसा अजीबो गरीब, तुम्हारे से अच्छा लग रहा, तू जल रहे हो ना तुम मेरे से। ओ एक्सक्यूज मी, वाओ कितना गंदा दिख रहा हूँ। तो अच्छा दिख रहा था यार मैं, ये की आगे लाइट में क्यों इतना खराब दिख रहा हूँ? वहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट है। ये आपको सच दिखा रही है, वो आपको नकली दिखा रही है, झूठ दिखा रही है। मेरा शॉर्ट हो गया है तो मेरे को लगा मैं सही में अच्छा दिख रहा हूँ, एकदम खुशी खुशी बाहर आया था। कोई नहीं फिर भी अच्छा दिख रहा हूँ मैं। चलो
जलो मत, जो मुझसे जले वो थोड़ा साइड से चले। तो ये है मेरा मैट एस शेल क्रेयॉन लिपस्टिक नंबर 17। नंबर कॉन्टेक्ट एड्रेस भी लिखा था। और ये है शुगर का, जो बोल देते शुगर का है, ब्रांडी हैरिंगटन नहीं, लॉस एंजेलिस। पिन कोड का है, पिन कोड सब कुछ हो चुका है। और कभी भी आपको कोई शेड नहीं समझ में आ रहा है, कोई शेड आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डार्क है, कोई शेड ऐसा लग रहा है कि बहुत लाइट है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप दो शेड्स को मिक्स करके उसको कुछ यूनिकनेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ब्राउन कलर का जो था ये टोन ब्राउन और ये पिंक है, तो इसे मिक्स करके मैंने ये बनाई हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम कलर का लिप लाइनर होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी सेम। पता चला कोई मिक्सिंग कर रहा है और जैसे अंबुजा सीमेंट बन गया भाई। यार लिप बार तो बराबर लिप वो नहीं लगा हुआ लिपस्टिक, थोड़ा मेकअप भी मेरा बराबर नहीं हुआ, तुम लिपस्टिक की बात कर रहे हो। मत लगाओ नीता, ड्राई लग रही है लिप्स, थूक के वेट कर जाओ। तुमने क्या मेकअप किया, बंदर का पिछोड़ा दिख रहा है मेरा। ये क्या दियो? आईब्रोज बेबी, दिख नहीं रहा तुमको? मस्कारा कहाँ कहाँ लगाए हो, लैश लिफ्ट किए? सब किया हूँ यार, लैश लिफ्टेड नहीं लग रही है, वो बैठ गई है बिल्कुल लिफ्ट में नीचे आ गए ना पूरे फेस के लिए। देखिए मेरे कितने अच्छे हो गए तुम्हारे। अगर ऐसे मैं आग बीच में आकर स्टेपलर हो जाएगी आग तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, मेरी आग स्टेपलर हो जाएगी। मेरा तो मेकअप हो गया है, आपसे मिलते हैं हम लोग 2 मिनट के बाद, तब तक देखते हैं हम लोग कंपेरिजन करते हैं, ये सब मेकअप का सामान रख देते हैं। ये रहा मेरा मेकअप और ये रहा सुफियान का मेकअप, जो सुफियान ने एकदम ज्यादा ही थोप दिए। ज्यादा नहीं थोपा हूँ मैं, असल में जगह छोड़ दिया हूँ मैंने, इसके लिए थोड़ा इधर थोड़ा काला रह गया। एक्चुअली ना मैं मेकअप के लिए बनाई नहीं हूँ, मेरी शक्ल इतनी हैंडसम है और इतनी टफ स्किन है ना मेरी, कि मतलब मेरे चेहरे पे मेकअप अच्छा लगता नहीं, मैं नेचुरल बहुत खूबसूरत लगता हूँ वो भी किसी। और मुझे किसी ने बोला था यार कितना लेट करते हो, मैं देखो कितना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा मेकअप हुआ है तुम्हारा, पैची पैची दाढ़ी भी, पैची पैची मेकअप भी, पैची पैची। और मेरा देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, और जरा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब मैंने कुछ ज्यादा प्रोफेशनल मेकअप की हूँ, बट इट इज लुकिंग वेरी सेटल्ड। आप जरूर कमेंट में बताना कि हम दोनों में से मेकअप किसका अच्छा लगा मेरा। और जो भी आपको क्वेरी है कोई स्टेप के बारे में तो जरूर कमेंट डाउन करना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको जरूर रिप्लाई दूं उस बारे में। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, हमारा दोनों का आईडी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में। और गाइज लड़कों को अगर कुछ डिटेल चाहिए रहेगी तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मैं एकदम गलत बताऊंगा के चेहरे की माँ बहन हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अगर आपको हम दोनों में से किसी का भी मेकअप अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट डाउन, ये कमेंट करना गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।